पंजाब से शुरू हुआ किसान आंदोलन नाजुक मोड़ पर है। इस बीच आज शाम एक बार फिर चंडीगढ़ में किसानों और सरकार के बीच बैठक होने वाली है, जिस पर पूरे देश की नजर है। बता दें कि इससे पहले चंडीगढ़ में अब तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, मगर अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। इन सबके बीच किसानों का दिल्ली कूच जारी है। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगा है, जो किसी भी वक्त हरियाणा और दिल्ली में प्रवेश कर सकता है। इधर पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर रखी है और किसानों को शंभू बॉर्डर पार करने और सिंघु बॉर्डर तक पहुंचने से रोकने की कोशिशें जारी है। इसी क्रम में पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए, जिसमें कुछ किसान जख्मी है। तकरीबन 15 किसान संगठन इस तरह की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए सरकार को घेर रहे हैं। वहीं सरकार इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझा लेने की दलीलें दे रही है, इसलिए आज शाम की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। किसान आंदोलन से जुड़े ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहें किसान तक।